फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब जब नए वीडियोस डालूंगा आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं तेजस। सो ये फोर्ड की इको स्पोर्ट है, आप देख सकते हैं। सो एक्चुअली इसमें क्या करने का, अपने को इसका जो बेसिक सर्विस है वो करने का है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, इसका टाइमिंग बेल्ट भी रिप्लेस करने का है, इसका फ्यूल टैंक का, और इसमें जो है ना एक स्टार्टिंग ट्रबल है। स्टार्टिंग ट्रबल मतलब कभी कभी स्टार्टिंग ट्रबल है, कभी कभी स्टार्ट भी नहीं होती, कभी कभी रनिंग गाड़ी में 2000 के ऊपर आरपीएम जाने के बाद गाड़ी जो है बंद पड़ जाती है नॉकिंग करके, ऐसा है। तो मैं आपको बताता हूँ एक बार गाड़ी स्टार्ट करके, ये स्मार्ट की है आप देख सकते हैं, स्मार्ट की वाला मॉडल है ये देखो। आप देख सकते हैं अभी गाड़ी एकदम हाफ सेल में स्टार्ट हो गई। सो क्लस्टर पे ऐसा कोई सिंबल नहीं है कि जैसे कि मतलब जो स्टार्टिंग ट्रबल है उसका कोई सिंबल ऐसा है। जब गाड़ी बंद पड़ती ना 2000 आरपीएम के, मतलब 2000 आरपीएम के ऊपर जब बंद पड़ती है तो उस टाइम पे जो माल फंक्शन लाइट है ये देखो ये वाला, अभी कभी कभी चालू भी नहीं होती बंद पड़ने के बाद। सो देखो अभी बंद पड़ गई है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट नहीं होगी या फिर हो जाएगी, जब तक फॉल्ट इरेज नहीं कर रहे कभी कभी स्टार्ट भी नहीं होती। तो अभी हो गई, देखो अभी कमाल फंक्शन लाइट आके चला गया, आपने देखा होगा वीडियो में। सो बंद पड़ गए लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो मैं आपको बोला था कि इसमें जो क्रैंकशाफ्ट के रिलेटेड फॉल्ट आ रहा है जैसे जो गाड़ी बंद भी पड़ती है, तो देखो इसमें जो एक क्रैंक सेंसर का फॉल्ट आ रहा है, क्रैंक सेंसर सर्किट रेंज परफॉर्मेंस करके ऐसा है। अगर वायरिंग का रहता तो ओपन सर्किट में आ जाता ऐसा है, लेकिन अभी जो रेंज परफॉर्मेंस में आ रहा है मतलब ये मतलब वायरिंग का भी हो सकता है लेकिन जो झटका दे रही है ना वो क्रैंक सेंसर के वैसे ही आता है ऐसा है, क्योंकि वायरिंग के वजह से डायरेक्ट कंटिन्यू फॉल्ट जो रहता ऐसा था, और ये कैसे इरेज भी हो जाता है फॉल्ट हिसाब से। तो इसका जो क्रैंक सेंसर है वो रिप्लेस करते हैं अपन। सो इसको मैं खोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये ज्यादा कुछ जाम नहीं रहता क्योंकि फोर्ड का जो बोल्ट है अक्सर लूज रहता है क्रैंकशाफ्ट का, इसे मतलब इतना टाइट नहीं रहता। देखो इसका बोल्ट है क्रैंकशाफ्ट का। सो ये आप ये देख सकते हैं मैंने पुली जो रिमूव कर दिया है। सो इसका टाइमिंग कवर है, इस पर बोल्ट्स दिए हुए 7 नंबर के, देखो स्क्रूज है मतलब ये मेरे को खोलने के ऐसा है। सो ये मैं अभी खोलता हूँ, और इसका जो ऊपर के साइड में इसका कूलेंट टैंक हो गया, इसका फाउंडेशन हो गया, ये ऊपर का जो कवर है आप देख सकते हैं वो भी खोलने का है, तो वो भी खोलता हूँ मैं अभी। टैंक जो मैंने रिमूव किया है, सो इसका टाइमिंग कवर है, ये भी मुझे जो है खोलने का है ये देखो। सो ये जो 7 नंबर के बोल्ट्स है ना वो सब मैं खोल लेता हूँ, और इधर कुछ इतना वायरिंग है नहीं तो पहले जो ये कवर है ये खोलता हूँ, उसके बाद अपने को जो फाउंडेशन है फाउंडेशन खोलना होगा। आप देख सकते हैं मैं इसका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का जो ब्रैकेट है वो खोल रहा हूँ, मतलब अभी फाउंडेशन ही खोल रहा है समझो आप। सोलह नंबर के बोल्ट है 3, उसके बाद ये 3 जो बॉडी पे अटैच है ये वाले आप देख सकते हैं। सो ये बॉडी पे अटैच ये 3 है, और इधर जो ये ब्रैकेट के सो वो खोल रहा हूँ अभी मैं। आप देख सकते हैं इसका फाउंडेशन ब्रैकेट है, ये 4 बोल्ट पे फिट होता है अंदर बॉडी में, ये देखो ये 2 और ये 2। सो ब्रैकेट भी मैंने रिमूव कर दिया है, अभी नीचे का जो टाइमिंग कवर है इसको उसको जो है रिमूव करने का है। आप देख सकते हैं ये इसका टाइमिंग कवर है, वो भी मैंने जो है खोल दिया है ये देखो। सो इस पर भी वही बोल्ट आते हैं सेम 7 नंबर के, जो स्क्रूज है देखो डायरेक्ट इसमें फिटेड रहते हो। सो अपने टाइमिंग बेल्ट है, अभी अपने को टाइमिंग जो है पोजीशन पे लेना होगा। देखो ये इसका जो है कैम का पुली है ये वाला, फिर जो इसका हाई प्रेशर पंप का गियर है, ये इसका एडलर पुली है,
इसका टेस्टनर है और नीचे जो इसका वाटर पंप है और इसके ठीक नीचे जो इसका क्रैंकशाफ्ट है। मैं बताया आपको इसका क्रैंक सेंसर है, सो वो भी मैं जो अभी खोलता हूँ, ये 10 नंबर के बोल्ट्स पे जो फिटेड रहता है, देख सकते हैं ये इसका क्रैंक सेंसर है जो कि मैंने अभी खोल लिया है, ये देखो। सो ये जो अपने को रिप्लेस करने का है, ओके, ये भी रिप्लेस कर देंगे और जो इसका टाइमिंग बेल्ट है वो भी रिप्लेस करने का है। सो टाइमिंग में अभी लॉक कर लेता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं मैं इसका ऑयल जो है ड्रेन करने के लिए लगा दिया हूँ, ये देखो इसका ऑयल है वो पूरा खराब हो चुका है टोटली, ये देखो। और इसका ये जो है ऑयल फिल्टर, ये देखो। सो इसका ऑयल फिल्टर है ये भी पूरा खराब हो चुका है। इसका लोकेशन इधर है, आप देख सकते हैं नीचे के साइड। ये इसका 27 नंबर का जो 27 नंबर का जो गुटकी है, मतलब जो बॉक्स पाना है वो लगता है इस पर, ऐसा है। और इसका ये फ्यूल फिल्टर, ओके, आप देख सकते हैं मैंने इसका जो टाइमिंग बेल्ट है वो खोल लिया है, ये देखो। ये इसका जूना टाइमिंग बेल्ट है और ये इसका न्यू। सो अपने को भी ये इंस्टॉल करने का है। इसका टाइमिंग का लोकेशन मैं ऑलरेडी इसका वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको जो है बेल्ट इंस्टॉल करने के बाद दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका बेल्ट जो मैंने इंस्टॉल कर दिया है, ये देखो इसका एक कैम है, कैम को मैंने लॉक किया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर होल है, ये देखो। सो ये ठीक उसके सामने जाके जो है लॉक हो जाता है। और ये नीचे की बात आप देख सकते हैं इसका एलेंकी है जो कि मैंने डाला है, ये देखो ये सीधा स्लू में जाके लॉक होता है। और आगे जो आप देख सकते हैं ये जो इसका ट्रिगर व्हील है जो कि क्रैंक सेंसर सेंस करता है। और ये इसका वाटर पंप, ये इसका टेस्टनर, ये इसका हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप में ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं आता, फिर भी जिस टाइम जो है ये खोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, जो बेल्ट रिमूव करते हैं, तो उस टाइम पे एक पोजिशन ले लेने का। सो हाई प्रेशर पंप में इतना कुछ टाइमिंग नहीं आता। सो हाई प्रेशर पंप में सेम ऐसा ही कट एक पीछे के साइड दिया हुआ है, सो उसमें आप जो है होल को उधर लॉक कर सकते हैं, जैसे इसको लॉक करते हैं वैसे भी उधर जो इसको लॉक कर सकते हैं। देखो पीछे के साइड में ये जो होल है, कैमरा उधर तक नहीं जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग इनका इतना कुछ ये रहता नहीं, लेकिन एक प्रोसेस वाइज लगा देने का कंपनी के हिसाब से ऐसा ही, क्योंकि एक प्रोसेस रहता है, एक मेथड रहता है काम का। और इसका ये एडलर बेरिंग है, सो वो भी टाइट करता हूँ। इसका वाटर पंप, कैम का भी टाइमिंग दिखा लिया, अब एक बार क्रैंक का दिखा देता हूँ। ये देखो इसका क्रैंक है जो मैंने स्लीव खोला, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो एक होल है, ये देखो ये। सो ये जो उसमें लॉक होता है, आप मैं आपको ऊपर से दिखाया, ये देखो। सो अभी टाइमिंग कवर फाउंडेशन सब लगा देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं ये इसका दूसरा जो क्रैंक सेंसर है, सो ये मैं इसमें लगा रहा हूँ। मैं आपको बताया कि इसमें क्रैंक सेंसर का जो तकलीफ था, सो इसको मैं पेट्रोल से साफ कर रहा हूँ, इसको जो धो के जो है क्लीन करके जो है इंस्टॉल कर देता हूँ। देखो ये पोजीशन पे इसका सॉकेट है, सॉकेट में भी एक बार रस्ट है क्या चेक करके क्रैंक सेंसर जो है इंस्टॉल कर देता हूँ। ये कुछ जो है इस तरीके का लगता है, आप देख सकते हैं, ये देखो ऐसा लगता है। और इसका ये ट्रिगर व्हील है, ये देखो ये, सो इस पर जो है सेंस करता है। सो ये भी मैं जो अभी इंस्टॉल कर रहता हूँ इसमें, ये देखो इसका टाइमिंग कवर है जो कि अपने को भी इधर जो इंस्टॉल करने का है। सो सब फिटिंग जो मैंने कर दिया है आप देख सकते हैं। ये क्रैंक सेंसर भी जो है इंस्टॉल कर दिया है, मैं आपको बताया कि मैं इसका जो क्रैंक सेंसर है, क्रैंक सेंसर जो रिप्लेस किया। सो जो व्हील है इसको भी साफ करके ले लिया मैं, आप देख सकते हैं। तो ये कवर जो मैं अभी इस जो इंस्टॉल कर देता हूँ इसका, आप देख सकते हैं कवर मैंने इंस्टॉल कर दिया है, ये देखो। सो इसके जो बोल्ट्स है, देखो ये जो स्क्रूज है इसके, आप देख सकते हैं। सो ये सब मैं जो है अभी प्रॉपर लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बेल्ट जो इंस्टॉल कर दिया है, ब्रैकेट भी लगा दिया है। सो ये बोल्ट बचे वो लगा देता हूँ अभी खाली में। सो उसके बाद ये कूलेंट टैंक और फाउंडेशन, आप देख सकते हैं मैंने ऑयल फिल्टर जो है इसमें इंस्टॉल कर दिया है, ये देखो। सो इसके अंदर जो है एक स्लीव आता है, स्लीव मतलब कैसा, एक नॉब आता है, देखो ये नॉब जो है उसके जो ऑयल फिल्टर ऑयल कूलर बॉडी है उसके अंदर जो बैठता है,
और फिर उसको ऊपर जो है कैप लगता है, देखो मैंने ये रिंग भी जो है नया इंस्टॉल कर दिया है, सो फिल्टर का जो कैप है वो भी मैं जो अभी इसमें जो है इंस्टॉल कर देता हूँ। सो ये फिल्टर हमने ओरिजिनली डाला था, जेन्यून डाला है, मतलब मैंने, आप देख सकते हैं उसका बॉक्स इधर ही था, ये देखो। क्योंकि मैं आपको दिखाया हूँ हर वीडियो में ज़्यादा, मतलब मैं सब गाड़ियों में सेल मोबिल का ही ऑयल जो है डालता हूँ, क्योंकि वो एकदम बेस्ट रहता है इंजन के लिए। सो ये ऑयल अभी मैं जो इसमें डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसको मैंने जो अभी स्टार्ट किया है, ये देखो, तो एकदम परफेक्ट है। अभी थोड़ा लीकेज वगैरह चेक कर लेंगे, मतलब ऐसा कूलेंट विलेंट का सब खोला था ना अपने, ऑयल फिल्टर वो सब, और एक ऐसा थोड़ा कंजेस्टेड है तो लीकेज कैसा जल्दी समझ में नहीं आता, उसको चालू रखा है इसके लिए। तो इसका ये शॉकअप माउंट है, सॉरी इसका जो शॉकअप है, सो इसका जो काम है एक्चुअली 3-4 दिन पहले हो चुका था, आप देख सकते हैं मार्किंग आया हुआ है बोल्ट पे देखो। सो अपने को इसका जो शॉकअप है, शॉकअप खोलने का है, क्योंकि जो इसका शॉकअप का जो माउंट है वो नॉइज़ कर रहा है स्टेयरिंग लेफ्ट राइट घुमाने पे गर गर करके, ऐसा है। सो वो शॉकअप माउंट जो है खोलने का है, अभी 3-4 दिन ही हुआ, मतलब माउंट डाल के दूसरी जगह पे डाला था, सो फिर भी अभी वापस जो नॉइज़ है, नॉइज जो है चालू हुआ है। सो अपने को शॉकअप जो है वापस खोलने का है, और उसका जो ग्रीसिंग है, ग्रीसिंग प्रॉपर करने का अपने को। तो देखो ये 3 बोल्ट है उस पर, ये 3 बोल्ट और नीचे के साइड में ये 2 बोल्ट, वो खोलने का। और इसका जो ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड भी खत्म ही हुआ है, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत बचा है। सो ब्रेक पैड भी जो अपने को जो रिप्लेस करने के, सो ब्रेक पैड जो है रिप्लेस कर देंगे। सो अभी मैं शॉकअप खोल देता हूँ, ये देखो मैंने जिसका शॉकअप माउंट है वो खोल दिया है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी ग्रीस नहीं लगाया, देखो। सो इसकी वजह से ये जो है कर 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 नॉइज जो है कर रहा था, आप देख सकते हैं। देखो इसका बेरिंग है, इसको भी उसने सामने वाले ने ग्रीस ही लगाया नहीं है। आप देख सकते हैं, देखो। सो इसकी वजह से ये जो है नॉइस मार रहा था, ऐसा है। अगर ग्रीस लगाया होता तो वापस खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये देखो कुछ ग्रीस है ही नहीं इसमें। तो अभी मैं ये पहला एक माउंट खोला हूँ, तो दूसरा शॉकअप हो रहा, तो दूसरा भी माउंट खोल देता हूँ, और इसको जो लुब्रिकेट करता हूँ, मतलब ग्रीस लगा के लुब्रिकेशन करके लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसमें अभी ग्रीस जो है लगा रहा हूँ, और ये देखो इसको जो पूरा ग्रीस से जो भर दूंगा एकदम अच्छे से क्लीन करके, जो भी लगा दूंगा इसको भी लगा दूंगा, और जो दूसरा शॉकअप है उसको भी लगा दूंगा। तो मैं आपको बताया कि इसको जो ग्रीस नहीं लगा था, माउंट डाला था 3-4 दिन पहले, तो वापस 3-4 दिन बाद ये जो है नॉइज कर रहा था। सो अभी जो नॉइज़ है अपना बंद हो जाएगा, जो स्टेयरिंग लेफ्ट राइट मारने पे जगह पे आता है वो। आप देख सकते हैं मैं भी ट्रायल पे हूँ, सो मैं 120 तक भगाया गाड़ी। सो पहले कैसा झटका देने का, बंद पड़ने का, माल फंक्शन लाइट शो होने का, ये सब तकलीफ था, क्योंकि वो जो फॉल्ट है अपना वो क्रैंक की वजह से क्रिएट हो रहा था। अभी आप देख सकते हैं मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, अभी ना तो बंद पड़ रही है ना कुछ तकलीफ आ रहा है, ये देखो। आप देखो मैं अभी थोड़ा भागाता हूँ गाड़ी को, एक्चुअली रास्ते का तकलीफ है, आप देख सकते हैं कितना खट्टा विट्टा है, इधर ट्रैफिक भी है, सो उसकी वजह से भागा नहीं पा रहा गाड़ी को मैं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, ये देखो। फ्रेंड्स मैं आपको इसका ट्रायल मार के दिखाया, सो अपन इसका क्या काम किया था, इसका टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस किया, इसका जो क्रैंक सेंसर है वो रिप्लेस किया, इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर वो भी रिप्लेस किया, और शॉकअप के माउंट थे जो मैं बोला था आपको, माउंट 3-4 दिन पहले डाले थे लेकिन वापस तकलीफ आया, ऐसा। सो अपन ने उसका भी काम किया, सो अभी आपने आपको मैं ट्रायल मार के दिखाया, सो अभी सब चीज़ परफेक्ट है, स्टार्टिंग ट्रबल भी एकदम मतलब कुछ नहीं है, ऐसा है। और जो 2,000-2,500 के ऊपर गाड़ी जो बंद पड़ती है, अभी वो बंद भी नहीं पड़ती, हल्का सा टेस्टनर का नॉइज़ है इसका, क्योंकि उसका कंप्रेसर है, कंप्रेसर में तकलीफ है इसकी वजह से एसी का,
लेकिन फिर भी उससे कुछ इतना दिक्कत नहीं आने वाला, वो बाद में भी चेंज किया तो चलेगा। सो ओके पावर।